कश्मीर फाइल देखा, वहां के कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई और उस पर बनाई गई फिल्म है जिसमें एक परिवार की घटना है जिसको लेकर पूरा आगे बढ़ता है पिक्चर, लेकिन आखिरी में जो नायक है वो कहता है कि इसमें न केवल हिंदुओं के बल्कि वहां बौद्धिस्ट हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जो भारत के साथ हैं उनकी भी हत्याएं हुई। लेकिन इस पिक्चर में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई, जो कश्मीरी पंडित हैं उस पर विस्थापन हुआ। ये वो दौर है जो 1990 का, जिसमें बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी का उस समय वो नेतृत्व कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पूरे समर्थन में था। उस समय जगमोहन जी वहां के उपराज्यपाल थे। कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा। वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया लेकिन वहां सेना भेजी नहीं गई। सेना तब भेजी गई जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लोकसभा का घेराव करते हैं, तब वहां सेना भेजी गई। और आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या वही है। 370 हटा दिए गए लेकिन न उसको बसाने का काम हो रहा है, न अटल जी की सरकार 6 साल रहा तब और अभी 8 साल से मोदी जी की सरकार है, तब भी 370 हटे कितने दिन हो गए लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। इस पिक्चर में भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जब पिक्चर बनाते हैं किसी समस्या को उठाते हैं तो समाधान ही बताते हैं डायरेक्टर, लेकिन उस डायरेक्टर ने समाधान नहीं बताया, केवल एक लेक्चर दी है। और इस सरकार भी 370 हटा के केवल राजनीति की है। 370 जब हटा तब बोले कि कश्मीर में जमीन लेंगे, वहां तो हरियाणा के मंत्री जी ने कुछ और बयान दिया था जिसके बारे में कहूंगा नहीं, लेकिन आज तक के कोई वहां उसे वापस नहीं किया गया और उनको जो सहायता देनी चाहिए कश्मीरी पंडितों को उसमें भी कोई वृद्धि नहीं की गई। अब आप लोग कैसे कुछ सवाल